नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा शुरू हो चुकी है। कल शाम को ही नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर पहुंच गए थे और वहां पे हो रहे तमाम योजनाओं का निरीक्षण किया और जो निर्माणाधीन कार्य है उसका भी जायज़ा लिया और साथ ही साथ जो योजनाएं सरकार चला रही हैं वो धरातल तक पहुंची है या नहीं पहुंची है, इन तमाम तरह की जानकारियां कल शाम से ही नीतीश कुमार ने लेना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 14वीं यात्रा है और ऐसे में नीतीश कुमार हर ज़िले में जाएंगे, हर ज़िले में जो योजनाएं के कार्य चल रहे हैं उसका निरीक्षण भी करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि कल शाम को ही नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर पहुंच गए थे और रात्रि में ही यह समाधान यात्रा को नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया। समाधान यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं और नीतीश कुमार ने बिना देर किए वाल्मीकि नगर में हो रहे विकास कार्यों का जायज़ा लिया और तमाम तरह की जानकारियां भी ली। इस दौरान उनके साथ मंत्री संजय झा और मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि नगर पहुँचते ही सबसे पहले निर्माणाधीन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और वहाँ चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। भ्रमण के क्रम में मुख्यमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया। इस दौरान उन्होंने अभी तक में हुए कार्यों की जमीनी हकीकत का जायज़ा लिया और जिस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जायज़ा ले रहे थे उस वक्त कई लोग भी मौजूद थे, कई अधिकारी भी मौजूद थे। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के मुआयने के बाद समाधान यात्रा का मकसद बताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि विभिन्न जगहों पर जाकर हो रहे विकास कार्यों की प्रगति को देखते के साथ साथ लोगों कोई बातें को भी वो सुनेंगे और ताकि जिन विकास कार्य चलाया जा रहा है उनका जमीनी सच्चाई पता चल सके, उन्हें ज़मीन पर उतारा जा सके और काम हुआ है या नहीं हुआ है इस विषय पर भी उन्होंने जानकारी दी। हाँ, तो आप जानते ही हैं कि जब से हम शुरू करते हैं यात्रा तो यहीं से शुरू करते हैं, एक नंबर से हमारे शुरू से आदत है। पश्चिम चंपारण से ही शुरू करते हैं सर। हर बार आपने कोई यात्रा किया है तो उसका कोई ना कोई थीम होता है, इस बार समाधान यात्रा सर इसका मतलब? देखिए, हाँ, समाधान यात्रा इसीलिए है कि जो जो चीज़ें शुरू की गई हैं उनकी स्थिति क्या है देखने के लिए। जगह जगह हमने कह दिया है, उसको देखेंगे और अगर कहीं जाने पर पता चल गया कि यहाँ कोई और ज़रूरत है, यहाँ नहीं हुआ है, तो उन सब यही सब चीज़ों को देखने के लिए, इसलिए हम इसका नाम दिए समाधान जी, कि कहीं भी कोई भी चीज़ हो तो उसी को हम लंबित तौर पर कि अब तक जितना हो रहा है उसका प्रोग्रेस और आगे भी क्या हो सकता है करना चाहिए, लोगों की बात में तो सुनते रहेंगे उसी हिसाब से, इसीलिए हम इस बार का चले। सर, कल आप एक गांव में भी जा रहे हैं सर, जो शराबबंदी काफ़ी पहले से वहाँ जो आपका थीम है सर, इस बार भी उस गांव में आप जा रहे हैं तो इसकी कोई खास वजह? नहीं, देखिए, वो हम तो सब जगह ये सब काम के लिए घूम रहे हैं और उसके बारे में तो बात है ही, तो आप जानते ही हैं कि पिछले ही साल कितना हम तो सब तो यात्रा किए और समाज सुधार अभियान चलाए, तो सब तो है ही, लोग लगा हुआ है, वो तो चल ही रहा है और उसमें तो जितने लोगों का बात है और लोग कर रहे हैं, ला रहे हैं और उस सबको देखना, लोगों को सब चीज़ों को बताना, कहीं कहीं कुछ लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसको देखना, समझाना। हम तो सबको बोल ही ना दिए हैं कि खाली गिरफ्तार करोगे कि लोगों के बीच में जा करके समझाओगे, बताओगे, ये सब बात है। और उसमें भी कहीं कोई बात कहेगा कि देखिए तो क्या दिक्कत है, हमको किसी का बात सुनने में हमको कोई दिक्कत नहीं। यह साथ ही साथ कहा है कि इससे पहले हमने समाज सुधार अभियान के दौरान कई जगहों पर जाकर लोगों से बातचीत भी की थी और विकास कार्यों का जायजा लिया था। वहीं शराबबंदी को लेकर भी लोगों में काफी उत्साह है। शराबबंदी के प्रति अधिक से अधिक लोगों को निरंतर जागरूक और प्रेरित भी किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कन्वेंशन सेंटर का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने गंडक बराज नियंत्रण कक्ष का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में गंडक नदी के डिस्चार्ज और जल स्तर के संबंध में जानकारी ली। गंडक नदी के मुआयने के क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य वर्षों की तुलना में इस वर्ष गंडक नदी का जल स्तर काफी अच्छा है। मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि व्याघ्र अभयारण्य का भी निरीक्षण किया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के द्वारा कल से ही इसकी शुरुआत कर दी गई है और मुख्यमंत्री तमाम जिलों में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और जो योजनाएं चलाई जा रही हैं
उसका भी जायजा लेंगे ताकि जो मुख्यमंत्री को ये पता चल सके जिस मकसद से इन योजनाओं की शुरुआत की गई है वो पूरी तरह से धरातल पर उतरी है या नहीं, इस योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं, इस बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।